या विभिन्न पेट्रोल पंपों से वहाँ पे डीजल खरीद के उसको रुपयाहीन चेक इसके द्वारा आरोपी है यशवंत डंसेना तो जो कटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा ये चेक दिया जाता था, उसमें वो रुपए नहीं होते थे, वो बाउंस हो जाता था। तो इस तरह से इसने करीब 37 जगहों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसमें थाना कुसौर में अपराध पंजीकृत है धारा 420 का, उसमें एक और आरोपी है संजय गवान जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसकी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना कुसौर की टीम लगी हुई थी और इसमें ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके द्वारा ये विभिन्न जगहों पे इस तरह से डीजल खरीदकर और एक रुपया ही चेक देकर ये अपराध किया गया है और इसमें कुल इसने 15 जगह पे ठगी की है और करीब करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। कितना जब्ती हुआ है इसके पास, क्या क्या जब्ती? अभी इससे 3 लाख रुपए की जब्ती हुई है और बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुसौर थाने में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें इसमें गिरफ्तारी की गई है और अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें ठगी की है उससे 138 NI है, उसमें जो प्रार्थी है उन्हें कोर्ट में लगाया है तो उसमें भी वो कार्रवाई प्रार्थी के द्वारा की गई है। अगस्त तक एक इसके अबकारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था पूरे जिले में, जिसमें थाना धर्मनगर में 5 प्रकरण कायम हुए, घरघोड़ा में 5, खरसिया में 18, धर्मदेला में 3 और इस तरह पूरे जिले में टोटल 170 प्रकरण कायम हुए आबकारी एक्ट का, जिसमें कुल 393 लीटर देसी अंग्रेजी एवं मोहम्मद शराब ये जब कीमत है जिसका 61,169 रुपये। क्या नाम है? यशवंत कुमार। क्या 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 की हो? डीजल पेट्रोल पंप से लिया हूँ क्रेडिट में। हाँ। और उसको लेकर भेज दिया हूँ। अच्छा। और चेक बाउंस होने के कारण से मुझे गिरफ्तारी होना पड़ा 420 के केस में। हाँ। और बेच के पैसे खर्च कर। अब तक कितने का डीजल बेचे हो आप? अंदाजा 70-80 लाख का बेचा हूँ। 70-80 लाख रुपये का। आपका कोई पार्टनर भी था साथ में? नहीं, मेरा पार्टनर संजय अग्रवाल करके है। हाँ। और कोई नहीं है मेरा पार्टनर। वो आपका पार्टनर है? हाँ, इसी पार्टनर के साथ। कैसे डीजल को कैसे बेचते थे आप? डीजल को किसान लोगों को या आम ग्रामीणों को ऐसा बात करते हैं हवाओं में जाते थे। अब तक कितने पेट्रोल पंप को आप चूना लगा चुके हो? 10-11 पेट्रोल पंप का। कहाँ कहाँ के पेट्रोल पंप? सब रायगढ़ के हैं? रायगढ़ के हैं, कुछ खरसिया के हैं, कुछ कहीं कहीं जगहों के। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 28 वर्ष। 15 प्रकरणों में करीब करीब 1 करोड़ रुपए जिसके द्वारा खरीद की गई थी, जिसपे थाना कुसौर में अपराध पंजीबद्ध है 420 का, उसमें एक आरोपी को पूर्व में अप्रैल में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी लगातार खोजबीन किया जा रहा था और इसकी अभी गिरफ्तारी की गई है और शेष जो प्रकरण है उसमें प्रार्थी के द्वारा 138 NI एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया है, उसमें भी उनकी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें कुसौर के प्रकरण इसकी गिरफ्तारी की गई है और इससे आगे भी पूछताछ जारी है, जैसा तथ्य सामने आएगा और आगे कार्रवाई। क्या क्या जब्ती हुआ सर इससे? अभी 3 लाख रुपए से जब्त हुआ है और चेक बुक कराई सर। हाँ, और कुल 15 प्रकरण में इसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की। कैसे पता चला सर इसका ठगी का, कैसे सूचना कैसे मिली मेरे साथ? इसमें प्रार्थी ने जो नटवरलाल है इसमें थाना कुसौर में अपराध पंजीबद्ध कराया था कि यशवंत डंसेना वो वीडियो और एक संजय अग्रवाल इनके द्वारा डीजल खरीदी की गई थी और एक चेक दिया गया था जिसमें वो बाउंस हो गया था। इस तरह इसमें प्रकरण पंजीबद्ध उसकी संजय अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई थी और खोजबीन लगातार की जा रही थी। बाकी अन्य जगहों पर इसने जो डीजल खरीद के चेक दिया था उसमें वो जो बाउंस हुआ तो उसमें जो प्रार्थी था उसने 138 के तहत कोर्ट में लगाया था। इसमें रायगढ़ के कई जगहों पे है और झारसुगड़ा में, बरगढ़ में और कोरबा में जी, और उन जगहों पे भी जहाँ चाहे इसने किया है वहाँ पे भी सूचना नहीं दी जा रही।
दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।